हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद। मैं हूं मुंबई में और मैं आया हूं गेटवे ऑफ इंडिया पर। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस खूबसूरत इमारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये एक ब्रिटिश कालीन इमारत है। इसका निर्माण अरब सागर के तट पर किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का प्रवेश द्वार, यह 20वीं शताब्दी में मुंबई में बनाया गया था। इस इमारत का निर्माण किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के सन 1911 में भारत आगमन की स्मृति में किया गया था। इसकी आधारशिला 31st of March 1911 में रखी गई थी। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है। इसका निर्माण 31st of March 1930 में शुरू हुआ और 1924 में कार्य पूर्ण हुआ। इसका उद्घाटन 4th of December 1924 में हुआ था। इसकी कुल लागत 2.1 मिलियन रुपी आई थी। गेटवे का बाद में प्रयोग भारत आने वाले वाइसरॉय और मुंबई के गवर्नर के आगमन के लिए किया गया। इसको मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। 28th of February 1948 में जब यहां से ब्रिटिश सेना का आखिरी दस्ता गुजरा, तो इसको आज़ादी का एक सिग्नल माना गया, क्योंकि अब पूरी तरह से ब्रिटिश सेना जो थी वो भारत से जा चुकी थी। तो आप ये देख रहे हैं नक्काशी, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी इस पूरे इमारत पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये इंडियन स्टाइल में है। यहाँ पर ये मुख्य द्वार पर की गई नक्काशी आप देख रहे हैं, और ये सामने अरब सागर। मुख्य द्वार के बराबर में दो छोटे ये द्वार भी हैं, और इनके ऊपर ये विभिन्न प्रकार की जालियां लगी हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं।